जिंदगी में बात बन गई। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम परिक्रमा करके हम बरसाना के लिए निकल गए थे। फाइनली हम बरसाना की गलियों में पहुंच गए हैं। तो आज बरसाना में बहुत भीड़ होने वाली है क्योंकि आज संडे भी है। भैया के अंदर हमने प्रवेश कर लिया और यहाँ आरती हो चुकी है। तो पहले आरती ले लेते हैं। अब करो हाय। हमारे जो साथ आए थे वो नीचे खड़े हैं। हेलो, जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। तो गाइस यहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा है और हम नीचे की ओर जा रहे हैं। मम्मी कहाँ गई? मम्मी बोल रही है। फोटो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम लस्सी पीते हैं, यहाँ की फेमस लस्सी ले। और गोलगप्पे ने खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रात को इतनी ठंड थी और अब इतनी गर्मी भी लग रही है। इसका समय आ गया, यहाँ लंगर की तरह खाएंगे सब। खाने में बहुत सारी चीजें हैं, लो अब जल्दी से खाना खाते हैं। हो गई है अभी, और यहाँ सारी जनता सो रही है। जल्दी जल्दी सच में मेरे भाई। हाँ सही बताओ।
सच में सच में। चलो जी चलने नहीं। हम सब बाकी भी आ रही जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और सब आ रहे हैं पीछे। सेट होने के बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है और दिन में तो बहुत गर्मी थी। यहाँ से सीधा बाकी भी आ रही जाएंगे। तो फाइनली हमारी बस चल रही है बाके बिहारी के लिए। बाके बिहारी के लिए उतर गए हैं और यहाँ से हमें रिक्शा करना है। से मैदान में आ गए हैं जब रेत ही रेत है। तो हमारा रिक्शा यहाँ पे खराब हो गया है और हमें अब दूसरा रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। पहुंच गया बाके बिहारी, बस अंदर प्रवेश करना रह रहा है। आ गए हम राधा वल्लभ। सारे मंदिरों के दर्शन कर आए हैं और अब हम सीधा बस में बैठेंगे। अब हम डिनर करेंगे। हाँ चलो। तो खाने में है दाल चावल, तो चलो अभी से भी खाते हैं जल्दी जल्दी। 2000 years later घर पहुंच चुके हैं और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। बरसाना से साड़ी मिली थी और बहुत ही सुंदर साड़ी है।
Bye.